Hello friends, welcome back. This is Rohit Auth here and today's video is on how to learn 5x time faster. So, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे आप 5x time faster learning कर सकते हैं और मैं अपनी कहानी बताता हूँ. 3-4 साल पहले मैं ऐसा था कि जो मैं learn करता था वो मैं easily भूल जाता था. जैसे मैंने पढ़ा आज तो 3-4 दिन बाद मैं वो भूल जाता. लेक्चरर ने कुछ पढ़ाया तो उसके एक घंटे बाद जब वो क्वेश्चन पुट अप करता था मैं भूल जाता था. सो आज मैंने क्या इम्प्रूवमेंट किया कि मैं अब जो पढ़ता हूँ मैं 90% से भी ज़्यादा तक उसे याद रखता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए. सो इस वीडियो में हम कुछ स्टेप एंड ट्रिक्स एंड ट्रिप बताऊंगा मैं आपको. उसे आपको करना है फॉलो बस. और सबसे पहले आपका काम है एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाओ. क्योंकि आप लोग करते क्या हो, आप लोग वीडियो देखते हो और चले जाते हो. और मैं ये नहीं कह रहा कि अब मैं व्यूज़ के चक्कर में जा रहा हूँ, मैं व्यूज़ के चक्कर में, मैं क्वालिटी बता रहा हूँ, क्वालिटी के चक्कर में आता हूँ मैं यहाँ पे. मैं आता हूँ कि किसी की लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए, यही मेरा एक गोल होता है अचीवमेंट का. सो दोस्तों चलिए स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं. तो दोस्तों स्टेप नंबर 1 है मेकिंग माइंड मैप. सो दोस्तों जब भी आप पढ़ते हो ना तो आपको एक माइंड मैप बनाना चाहिए उसका. माइंड मैप क्या होता है, जैसे आपने चैप्टर की हेडिंग डाल दी, सब हेडिंग डाल दी, वो भी बुलेट पॉइंट के फॉर्म में, उसके इनर पार्ट डाल दिया. तो इससे क्या होता है ना, आप दो पन्ने का बन जाता है इजीली. तो एक चैप्टर दो पन्ने में कवर हो जाता है. तो अगर आपको जब भी रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है तो आप इजीली उन दो पन्नों में अपना चैप्टर फुल कवर कर लेते हो और 10-15 मिनट में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. तो आपको ये मस्ट ऐप, अगर आपको लर्न कुछ भी चीज लंबे समय के लिए रखना है तो रिवीजन तो आपको पता ही, रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा. और नंबर 2 आता है आपका डिस्कस. ठीक है, जो भी आप पढ़ते हो ये अकॉर्डिंग टू, मैं नहीं कहता हूँ, ये अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी कहती है और अकॉर्डिंग टू ब्रेन साइकोलॉजी कहती है. ब्रेन रूल्स कहता है कि जो भी आप डिस्कस करते हो वो आपको 50% तक याद रहता है. यहाँ पे एक लर्निंग पिरामिड आ गया होगा. तो वो कह रहा है कि उसमें कि जो भी आप पढ़ते हो अगर उसको आप डिस्कस करते हो अदर्स दूसरे लोगों के साथ, ठीक है, तो आप उसे 50% तक याद रख सकते हो. नंबर 3 आता है हमारा प्रैक्टिस. यू नो द प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. तो आपको प्रैक्टिस इज मस्ट. जो भी आप, जैसे आपने प्रैक्टिस करते हो ना अगर आप, तो क्या होता है प्रैक्टिस करने से, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है. और जो आप प्रैक्टिस करते हो, लर्निंग पिरामिड कहता है, आपका लर्निंग हायरार्की आपकी कहती है जो भी आप प्रैक्टिस करते हो वो आप 75-80% याद रखते हो. तो वो हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है अगर आप प्रैक्टिस करते हो. जैसे मैथ्स का हो गया, किसी भी टॉपिक में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो, जैसे स्पोकन इंग्लिश हो गया, तो आप ऐसे भूलोगे नहीं कि कैसे बोलना था. तो आपको प्रैक्टिस इज मस्ट है आपकी. सो अब आता है नंबर 5th. तो नंबर 5th है हमारा टीचिंग. सो टीच अदर्स. तो नंबर 5th में क्यों है, क्योंकि टीच अगर आप दूसरों को पढ़ाते हो, क्योंकि मैं खुद दूसरों को पढ़ाता हूँ. मैं 12th क्लास का था पहले, जब मैं 12th क्लास में था तो मैं क्या करता था, अपने ही क्लास के बच्चों को पढ़ाता था. तो इससे क्या होता था, मुझे बेनिफिट क्या मिलता था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लर्निंग पिरामिड और अकॉर्डिंग टू ब्रेन रूल कहता है कि जो भी आप पढ़ते हो अगर आप उसे दूसरों को एक्सप्लेन या पढ़ा दिया आपने अच्छे से, तो उससे क्या होता है वो आप 90% तक याद रख सकोगे. तो मैं यही करता हूँ अपनी डेली लाइफ में, जो मैं सीखता हूँ मैं दूसरों को सिखाता हूँ. तो इससे क्या होता है, मैं वो चीज़ भूलता नहीं हूँ कभी. तो आप अगर फॉलो करना है तो आप इसे फॉलो कर सकते हो. आपको पढ़ाना है किसी को भी उठा लो, अपने दोस्त को बोल दो, दोस्त को पढ़ाओ. तो मैं एक एक चैप्टर 3-3-4-4 बार पढ़ा देता था. इस वजह से मेरे को 12th का जो सिलेबस है और उसके चैप्टर्स हैं वो अभी तक याद है. सो दोस्तों अब आता है टॉपिक नंबर 5, जो ये है. ये सभी को, आपको सभी को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए. कि क्या होता है कि ना, हमारा ब्रेन होता है ना, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी और अकॉर्डिंग टू ब्रेन रूल कहता है कि आपका ब्रेन इज नॉट अ मल्टीटास्किंग डिवाइस. आपका मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता ब्रेन. तो आपको एक चीज़ में, एक बार में एक चीज़ में फोकस लगाना है. सो अगर आप मल्टीटास्किंग, जैसे आपने फ़ोन चला दिया, पढ़ाई भी कर रहे हो, देख रहे हो फोन. तो अगर आप जब आप पढ़ाई करते हो पढ़ाई कर रहे हो, तो फोकस बिल्ट हो गया एक जगह, तो आप उस चीज़ को ईजिली और मोर इजी वे में आप याद कर सकते हो और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका हो जाएगा.